अब मैं रूम साफ करूंगी, फिर घर को साफ करूंगी, जड़ वगैरह लगाऊंगी। अभी आपको रूम साफ करके बताती हूं। ये देखिए मेरा जो बाकी साफ तो कर दिया था मामा ने, लेकिन बस मेरा रूम, मेरा बेड वगैरह रह गया था। ये देखिए मैं गिफ्ट लाई हूँ, अभी गिफ्ट को बनाना है मैंने, क्योंकि आज हमारे वो क्यों बनाने हैं, किसको देने हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। दोस्तों अब बारी है हमारे लिए ये वाला अस्तर लगाने की, हथियार हमारा तो अच्छा लगा। अच्छा किसके कुछ लगाने लगा तो आप मुझे कमेंट करें। हमारे पूरे घर में थी कोई जाने का था कि रुक जाना है। अगर आपको भी मैप लगाने में दिक्कत होती है तो मेरी एक टिप्स जरूर लगवाएं, जो इस वीडियो के बाद तो आपने एक वाइपर ले लेना और उस पर मैप छोड़ देना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत चीज़ें से आपकी मैप लग जाती है। गाइस मुझे व्लॉग्स तो बनाने नहीं आते, मैं आर्ट्स का करती हूँ, मुझे आर्ट्स का शौक। और मैं जब भी आर्ट्स की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ तो पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम बनती है और मेरी सारी वीडियोज़ के लिए कॉपीराइट भी करते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं व्लॉग्स बनाया करूँगी। ये मैंने अभी बनाना है। और ये पेंसिल पेंसिल जिनको मैंने पैक, कितनी प्यारी से फ्लावर्स बना रही हूँ, इन सबके जोर पर मैं बनाऊँगी। और आप थोड़ी देर तक वेट करें, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने पेंसिल पैक करनी है, मैंने एक मन सारा गद्दा ले लिया और उसको दरमियान से फोल्ड करके साइड से भी ऐसे फोल्ड कर, और आप देखेंगे ऐसी बॉक्स तैयार हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे अंदर मैं डालूँगी। यहाँ पर इसमें ऐसे पेंसिल डाल के ये मैंने ऐसे कर लेना है। बाद में ये देखिए इधर से भी मैंने पैक करनी है, इधर से भी मैंने पैक करनी है। तो बाद में देखना, पूरा बंद करके आपको दिखाती हूँ कैसे पैक करना है। और दूसरी जो पेंसिल है वो भी मैं ऐसे पैक करूँगी। ओके, इसके साथ साथ मैं ये चीज़ें ना ही जो उसमें मैंने डालनी है। भूल के सोचा मैं छली खाना, आप भी खा रहे हैं। मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मैंने ये पहले लगाई हुई थी, अब मैंने कहा चलो गंद ही मार लेती हूँ, अब देखती हूँ गंद मार के कैसी लगती है। ये ऐसा था कितना बड़ा मैंने पता कर दिया काबू। तो गाइस ये देखिए मेरे गिफ्ट्स रेडी हो रहे हैं और मैं आपको बताऊँगी जब हम शाम को जाना है। अभी दोपहर का टाइम हो गया है तो आज हमारे घर बनने लगी है। बाद में बताऊंगी कौन सी बनती है। मैंने ड्रेस निकाली है, जो मैं ऐसा आप इसको प्रेस कर लो। गाइस शाम का टाइम हो चुका है और हमारे घर पके हैं चने चावल, जो मैं इतने शौक से तो नहीं खाती, खा लेती हूँ पर इतने शौक से नहीं खाती। और मैं जहाँ तैयारी करने लगी, मेरी बैंगल्स हैं, ब्रेसलेट, रिंग्स, बैंगल्स, रिंग, ब्रेसलेट, रिंग वगैरह, ये सब मैं जाने की तैयारी करने लगी। शाम तो हो गई है, दैट इज माई ड्रेस। चलें ठीक है, तैयारी करते हैं।
ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਿੰਘੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਸਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਿੰਘੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਸਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ ਅਬ ਮੈਂ ਬੰਬਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੂੰ ਕਿ तो गाइस अब देखिए इसको कैसे डालते हैं ये ऐसे है अकेले बंदे से बिना डरनी बहुत ही मुश्किल होती है वैसे कौन कौन अकेला डाल लेता है मुझे तो बिल्कुल भी डाल नहीं देखें ये मैंने बनाया था उसे देख के लिए ओपन नहीं ये मैं बनाया बर्थडे गिफ्ट के लिए लड़की के लिए बर्थडे गर्ल के लिए और ये मैंने बनाया बर्थडे फ्लावर ये दोनों बहन भाई की इकट्ठी बर्थडे है ये तो मैंने बर्थडे गर्ल को देने और ये मैंने बर्थडे फ्लावर कितनी गर्मी लगती है ना और अब ये देखिए मैंने रिव्यू फिर से करा दूँ आपको आप ब्लू से टेस्ट किए हैं बर्थडे गर्ल के लिए रेड और बर्थडे बॉय के लिए ब्लू मेरा तो इस बुके पे दिल आ गया दिल कर रहा मैं इस बुके को खुद ही घर पे रख लूँ इतना अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह नज़र ना ख़राब ना हो जाए इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह चलें ठीक है हम अब चलते हैं हैप्पी बर्थडे ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ